उत्तराखंड सरकार बाघों की बढ़ती संख्या को देखकर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं आम जनमानस के बीच संघर्ष भी बढ़ रहा है। इसकी चिंता सरकार को कम है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी गुलदार पहुंचने लगे हैं। आज पिथौरागढ़ क्षेत्र में 2 गुलदार अलग अलग स्थानों से वन विभाग से रेस्क्यू। सुबनगर के रिहायशी इलाके जगदम्बा कॉलोनी से गुलदार का शावक गौशाला में घुस गया, जिसे वन विभाग ने 2.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद कैद कर लिया। वहीं भुरमुनी ग्राम के पास एक गुलदार जंगली जानवर के शिकार को लगाए गए फंदे में फंस गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद फंदा काट कर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। वन विभाग ने दोनों गुलदारों को जंगल में छोड़ दिया। गौरतलब है कि बढ़ती बाघों की संख्या से वन्य जीव। लाए उत्तराखंड के लिए पिथौरागढ़ से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। सीमा है, मेरी गाँव की सीमा जो इनके खेत हैं, इनके खेत की सुरक्षा के लिए इन्होंने तार बाड़ दिया था और उस तार बाड़ में ये लपट का बच्चा फंस गया था। ये लगभग 1 साल के लगभग का है, स्वस्थ है। इसको भी हमने रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू करके पिंजरे में डाल रखा है और इसको एक बार थोड़ा डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। वैसे ये इसको प्राकृतिक आवास में छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार हम वेटनरी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इसको दिखाने के बाद इसको इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ देंगे। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।